जनपद में गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को शासन की मंशा के अनुसार उत्साह एवं उमंग के साथ कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया कि सुबह 8:30 पर सभी सरकारी भवनों पर झंडा अभिवादन होगा तथा संविधान में उल्लेखित संकल्प के स्मरण तथा राष्ट्रगान होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रातः 9:00 पुलिस परेड पुलिस लाइन में सम्पन्न होगा। सभी शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाएगा। इस दौरान कोविड 19 महामारी के संबंध में गोष्ठी आयोजित कर जन जागृत पैदा करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्वाह्न 11:00 नगर निगम द्वारा कम से कम 4 मलिन बस्ती में विशेष सफाई अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। दोपहर 12:00 विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जिला कारागार, कुष्ठ सेवा आश्रम, मंदबुद्धि संस्थान, नारी संरक्षण गृह, अंध विद्यालय, बाल सुधार गृह में फल मिष्ठान का वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपराह्न 1:00 ही शहीद स्मारक चौरी चौरा, डोहरिया कला तथा जिला कारागार बिस्नेल पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत अपराह्न 1:00 टाउन हॉल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। अपराह्न 2:00 रूट मार्च झांकियां निकाली जाएंगी, जो जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर निगम परिसर में समाप्त होंगी। जिलाधिकारी ने नगरवासियों से अपील किया कि सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों एवं भवनों तथा निजी आवासों पर दीप प्रज्वलित कर तथा झालरों से अपने घरों को प्रकाशमय करते हुए गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया, जिनको बोला है टेंट लगाने को, जिसको हम बोल देते हैं 10x10 टाइप का एक एक स्टॉल, वो तो हल्का ही होगा, मुझे लगता है 1000 रुपए में मैक्सिमम एक, नहीं सर 1000 रुपए नहीं, पिछले कर रहा हूँ एक जो वो देगा एक किसका जिसमें उतना ही इनको देना है। ये लोग और ये कपड़ा सर, ये सभी विभाग अपने बैनर दो तीन बना लेंगे तो उससे तीन साइड कर लेंगे, उसमें वही ठीक है। ये आप उनसे बात कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट्स हम अभी सर से बात कर लेंगे, सीनियर सर से, कि कितने डिपार्टमेंट वहाँ पे, आप ये माने कि 10 डिपार्टमेंट पे पहुँचने चाहिए वहाँ। मजदूर, महिलाएं, युवा सभी क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को प्रतिनिधित्व तो प्रदान किया जाए, उसमें इसको भी क्लब कर दें, जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा 24 से 26 है, अब 25 तारीख को ही इसके जो कार्यक्रम थे उसी में सम्मिलित करा देगा। तो युवाओं की भागीदारी भी आपकी, नहीं युवा कल्याण के बोलते ना, युवाओं की भागीदारी आपकी तरफ से हो जाए तो क्या कराएंगे उसमें, तो भी हो जाएगा और मतदाता दिवस का भी हो जाएगा, युवा दिवस का भी हो जाएगा। हाँ वो करीब 10 मिनट का होता है और वो वातावरण को मतलब खूब स्टेज पर आधे घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्लान कर ले, जिसमें जैसे एक ही गाना हो गया, ऐसे ही पत्र पुष्प याद कर लेते हैं, जो लालयित के भी कोई स्टेज मिल जाए, फ्री का स्टेज मिल जाए। ये जो माँ तुझे सलाम वाला, तो मैंने देखा था अभी एक ग्रुप करता है, एक नया लड़का है, उसके बीच में हमसे संपर्क भी किया था, वो स्ट्रीट जो सड़क पर बच्चे होते हैं तो उनको लेकर के उसने बनाया है, मैं बात कर लेता हूँ, अगर वो तैयार हो जाता है, महोत्सव में मुझसे मांग रहा था। एक उनको भी बुला सकते हैं इसको सर, ठीक है, ये उसमें थीम बता देना होगा कि यूपी दिवस को भी शामिल करें। एक जो ये नाटक करते हैं सर, नाटक वो अगर मतलब कोई इसमें से कोऑर्डिनेट कर ले तो भी अच्छा हो जाएगा भैया। और कुछ बच्चे भी आएंगे, 400-500 बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि 9th ऑनवर्ड से बच्चों को रखना है। एडी जुबली और शहर के दूसरे स्कूल्स को कह दिया गया है और प्रतियोगिता हो रही है और सर वो बच्चों को वहीं ले आएंगे, वहीं फिर स्टेट हो जाएंगे बच्चे। और वैसे आप जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, हम लोग सब लोग मिलके उसको मनाएंगे। पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम होगा, कलेक्ट्रेट में भी कार्यक्रम होगा, उसी दिन भी कुछ लोग का सम्मान कराएंगे, फिर गणतंत्र का महत्व का समझाएंगे।